जय श्री कृष्ण। एस्ट्रो केपीआर कलकत्ता से किशन रागानी। आज मैं आपको दसवें केतु की बात बताता हूँ। दसवां केतु, कभी खुशी कभी गम, कभी अच्छा कभी खराब। अच्छा तो इतना अच्छा कि आप बहुत बड़े नेता हो जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, सीएम पीएम बन जाओ, इतना अचानक बढ़ते हुए देखेगा आप। चार भाव दृष्टि बार बार स्थान परिवर्तन करेगी भाई, माना आप ना एक जगह टिकने नहीं देगा, घूमते रहोगे। नौकरी में भी प्रमोशन से ये कैसे भी बहाने आपको चलने रहना, जीवन रहे चलते रहना है। आपको बड़ी उम्र में पेट और जोड़ों में दर्द होगा। चलायमान वस्तुओं से धन लाभ होगा। आपको कहीं भी नौकरी नहीं मिले तो आप अंडर टेबल पेमेंट करो, किशन रागानी बोल रहा है मिल जाएगी। हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको ये राय दे रहा हूँ कि आपका कल्याण है कि आप खुद ऐसे हो कि देना पसंद नहीं करोगे, लेकिन दे के जान छुड़ाओ। सीधी सी बात है, आप ईश्वर परायण हैं और समाज के मुखिया भी हो सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं। आप चाहे करप्टेड नहीं हो, लेकिन आपको करप्शन को पालना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब को भी ये परेशानी है, चाहे आप करप्टेड नहीं हो, बट यू विल बी इन्वॉल्वड सम डीलिंग्स लाइक दैट। ऐसे ईश्वर परायण होता है ये आदमी, दसवां केतु, मैं इसको अच्छा मानता हूँ। और इनके पिता के ऑपरेशन होते हैं, पता नहीं क्यों भाई, ये मेरी रिसर्च में आया है कि भाई ये ऐसे है। अच्छा, ये चलायमान चीज़ों का बिजनेस करें तो बहुत काम आना है। एयरक्राफ्ट खरीद लें, एयरलाइंस खरीद लें, शिपयार्ड्स ले लें, गाड़ियों का ठेका, ये इस धंधों में बहुत कमाई होगी इनको। और इनके साथ जनता का मन और माता का मन साथ चलता है, पिता का भी आशीर्वाद होता है दसवें केतु पे, माता का इन पे मन होता है। आप देखते ना, मोदी साहब की माँ से मिलने जाते तो ये टेंथ, ये केतु कॉम्बिनेशन है ना, टेंथ एंड फोर्थ, ये ठीक है। दाता सुखी रखे। अगले एपिसोड में 11th केतु बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।